हेलो एवरीवन दिस इज श्वेता अगेन बैक फ्रॉम एड सेक्रेट इंटरनेशनल आप सब लोग कैसे हैं उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में सेफ हैं सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं सो चलिए वापस आते हैं अपने काम पे ऊपर आज हम बहुत ही जरूरी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं गैस कीजिए वो टॉपिक कौन सा होगा वो टॉपिक हमेशा की तरह इंग्लिश के ऊपर ही रिलेटेड है एंड द टॉपिक इज कंसर्न टू पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कि अगर आप सही नहीं बोलते ग्रामर का इस्तेमाल सही नहीं करते ग्रामर की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सही जगह पे नहीं लगाते तो आपकी इंग्लिश बहुत ही बेकार लगती है चाहे आप बोलने में इंग्लिश को बता रहे हो चाहे आप लिख के इंग्लिश में कुछ इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हो या कुछ और कर रहे हो सो so, इंग्लिश का लेवल बहुत ही डाउन आ जाता है एंड आप बहुत ही लेस कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इसको ठीक करने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन लेके आई हूं जिसको कि बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सारी चीजें आ जाती हैं र द नाइन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ही एक्यूरेट और प्रॉपर बना देगा पार्ट ऑफ स्पीच आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट प्रॉपर एंड गुड सेंटेंसेस एंड आई थिंक ये चीज तो आप में से हर एक चाहता है कि मेरी इंग्लिश जो है वो प्रॉपर और एक्यूरेट बन जाए जिससे कि मुझे लेस कॉन्फिडेंट का सामना ना करना पड़े सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट ऑफ स्पीच से विच इज नोन एज वर्ब वर्ब जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया मतलब काम इन इंग्लिश इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट अब एक्शन कैसा है जैसे कि मैं कोई चीज लिख रही हूं मैं अगर कोई गाना गा रही हूं मैं डांस कर रही हूं मैं भाग रही हूं मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें मैं काम कर रही हूं वो काम किसी भी तरह का हो सकता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। अब इसका बनाते हैं सेंटेंस अब सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस आपका बनेगा सोहन इज डांसिंग कॉन्टिन्यूसली सोहन जो है वो लगातार डांस कर रहा है अब यहां पे वर्ब क्या है वर्ब है डांसिंग क्योंकि क्रिया क्या हो रही है काम क्या हो रहा है काम वो ये कर रहा है कि वो डांस कर रहा है सो हेयर डांसिंग इज वर्ब नाउ द सेकेंड वन इज नाउन नाउन डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थे मतलब कि किसी भी इंसान का नाम या कोई जानवर या कोई जगह का नाम ऐसे किसी भी चीज़ का नाम उसको नाउन बोला जाता है जैसे कि अगर किसी इंसान का नाम हुआ जॉन या फिर कोई एनिमल हुआ टाइगर या किसी प्लेस का नाम हुआ पंजाब पंजाब इसलिए मैंने पंजाब का नाम ही लिया किसी भी चीज का नाम चाहे वो प्लेस है चाहे वो एनिमल है चाहे वो पर्सन है उसको नाउन बोलते हैं एंड इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं श्रेया लिवस इन डेली अब यहाँ पे दो नाउन आगे हैं एक तो श्रेया जो कि एक पर्सन का नाम है एक लड़की का नाम है और एक डेली जो कि एक प्लेस का नाम है तो यहाँ पे दो नाउन हो चुके एंड एक भी एक एग्जाम्पल में आपको दो नाउन दिखाई देंगे श्रेया लिव्स इन डेली द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन मतलब एक नाउन की क्वालिटी को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है अब वो क्वालिटी कैसी हो सकती है अगर किसी ने कोई ड्रेस पहनी है अगर वो ब्लू कलर में है ब्लैक कलर में है वाइट कलर में है तो वो ड्रेस की क्वालिटी को शो करवाता है एंड द सेंटेंस यू कैन मेक इज सी शाइना इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल अब इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ ब्यूटिफुल मतलब कि जो श्रेया है उसकी क्वालिटी ये है कि वो ब्यूटीफुल है इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ मान लो आप बिल्डिंग को कहना चाहते हैं सी इट इज टॉल बिल्डिंग कि देखो वो बिल्डिंग टॉल है वो बहुत बड़ी है सो टॉल हेयर इज द क्वालिटी ऑफ दैट बिल्डिंग अब हम बात करेंगे डिटर्मिनर के बारे में डिटर्मिन noun, मतलब एक नाउन को determine करने के लिए वो नाउन कैसा है उसको determine करने के लिए डिटर्मिनर का इस्तेमाल होता है अब डिटर्मिनर कैसे होते हैं a, एन द सम मैनी या और भी ऐसे बहुत सारे डिटर्मिनर्स इसका सेंटेंस बन सकता है आई हैव बिस्किट मेरे पास कुछ चॉकलेट्स है और एक बिस्किट है अब डिटरमिनर इसमें क्या है सम और जो ए लिखा है वो इसमें डिटर्मिनर है हम इसमें ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं ये बहुत सारे बिस्किट हैं सो डिटर्मिनर जो है वो नाउन को डिटर्मिन करता है अब यहाँ पे नाउन है चॉकलेट सो चॉकलेट को जो डिटर्मिन कर रहा है वो सम कर रहा है कि मेरे पास थोड़ी ही चॉकलेट्स हैं एंड बिस्किट भी एक नाउन है और बिस्किट को भी डिटर्मिन एक डिटर्मिनर कर रहा है जो कि है ए उ डिटर्मिनल डिटर्मन अनाउ नाउ वी हैव एड वर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषन मतलब क्रिया की विशेषता वर्ब की क्वालिटी क्या है फॉर एग्जाम्पल क्विकली फास्टली स्विफ्टली ये सब क्वालिटी को शो करवाते हैं अब सेंटेंस बना सकते हैं ही रन क्विकली इसको हिंदी में हम ये बोलेंगे कि वो तेज भागता है वो भागता तो है पर उसकी खासियत क्या है उसके उसके भागने की खासियत ये है कि वो तेज भागता है इन दिस सेंस यू कैन यूज एडवर्ब ओके नेक्स्ट कम्स प्रोनाउन प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन लाइक ही शी इट यू दे सो ये सारे होते हैं प्रोनाउन जैसे कि आप सेंटेंस बनाते हैं सोहन इज गोइंग टू होटल ही इज हैविंग अ बिग कार्ड ये सेंटेंस का ये मतलब है कि जो सोहन है वो होटल में जा रहा है उसके पास एक बड़ी कार है अब यहां पे मैं हर एक सेंटेंस में सोहन तो इस्तेमाल करूंगी नहीं ऑकवर्ड सा लगता है ना सो सोहन की जगह पे आप जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो है ही सो इसी तरीके से अगर सोहन की जगह पे कोई लड़की का नाम आ जाता है जैसे कि मान लो स्नेहा नाम आ जाता है तो स्नेहा का अगर सेकेंड सेंटेंस बनेगा तो स्नेहा नाम से नहीं बनेगा शी जो कि एक प्रोनाउन है उससे बनेगा इन द सेंस यू कैन यूज द प्रोनाउन इन योर सेंटेंस नाउ कम्स प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन ज्वाइन अ नाउन टू अनदर वर्ड जैसे कि ऑन इन एट फॉर फ्रॉम और इसी ही तरह के बहुत सारे प्रेपोजिशंस अब इसका सेंटेंस ये बन सकता है आई एम फ्रॉम पंजाब मैं पंजाब से हूं तो यहां पे नाउन को दूसरे वर्ड के साथ कौन लिंक कर रहा है वो है प्रेपोजिशन जिसका काम है लिंक करना दो चीजों को सो so यहां पे आई एम को पंजाब के साथ कौन जोड़ रहा है एक प्रेपोजिशन जो है फ्रॉम सो इन द सेंस यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन अगर आप सबको प्रेपोजिशन में कोई प्रॉब्लम है एंड आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरी ऑलरेडी डिटेल वीडियो दो पार्ट्स में बनी हुई है या तो यहां पे आई बटन में होगी या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी आप जा वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर नहीं तो मेरे प्ले में जाके चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हैं वहां पर आपको दोनों वीडियोज मिल जाएंगी नेक्स्ट वी हैव कंजंक्शंस कंजंक्शंस लिंक्स डिफरेंट वर्ड्स सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस जैसे कि व्हेन एंड विच इन सभी को कंजंक्शंस बोलते हैं कंजंक्शंस का सेंटेंस ये रहा ही लाइक्स क्लासी शूज एंड वॉचेज उसको क्लासी शूज और वॉचेज बहुत पसंद है सो so, यहाँ पे क्लासी शूज क्लासी शूज को और वॉचेस को कौन जोड़ रहा है कौन लिंक कर रहा है वर्ड टू वर्ड को दैट इज कंजंक्शन सो इसी तरीके से आप कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं देन वी हैव इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन इंक्लूड्स एक्सप्लमेशन मतलब कोई ऐसी चीज जो कि हम अचानक कहते हैं हैरानी में कहते हैं या फिर दुख में कहते हैं मतलब अपनी फीलिंग को अपने इमोशंस को बयान करने के लिए हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ओह या फिर अल्लास तो इस तरह के वर्ड्स इंटरजेक्शन में आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अल्लास ही गॉट लॉस इन दिस बिजनेस मतलब कि दुख वाली बात है कि उसको अपने बिजनेस में लॉस हो गया सो इन दिस वे यू कैन यूज इंटरजेक्शंस आई होप कि मेरे इस लेसन से आपकी फुल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्लियर हो गई होगी एंड अब अभी अगर आपको वीडियो पसंद आई है जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ बच्चों के साथ बड़ों के साथ सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो से ही आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन होने के लिए जा रही है सो एंड इफ यू लाइक माई चैनल जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन जरूर दबा दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस मेरी आने वाले दिनों में और आ रही हैं क्योंकि मेरा मकसद अब यह है कि मैं आपकी इंग्लिश को बेहतर बना दूं ताकि आप फ्लूएंट इंग्लिश को और प्रॉपर इंग्लिश को लोगों के सामने बोल सके सो so, बाय